गर्मी जोरों पर है और गर्मी में ठंडा ठंडा खाना या ठंडा ठंडा पीना भला किसे नहीं पसंद होगा। तो भयंकर गर्मी को देखते हुए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजाबी लस्सी की रेसिपी। सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। तो चलिए फटाफट ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें डाल देंगे 2 कप दही, और दही यहाँ पर एकदम ताजी लेंगे। एक कप ठंडा दूध, तो दूध एकदम ठंडा लीजिएगा और दही भी ठंडी रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 कप आइस क्यूब। पंजाबी लस्सी बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होती है, थोड़ी पतली होती है, वैसे आप अपने पसंद अनुसार गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। इसी के साथ में डाल देंगे 1/2 कप चीनी, या फिर चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, और 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब सारी चीजों को कुछ सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी बढ़िया ठंडी ठंडी लस्सी बनकर तैयार है। अब इसको सर्व करेंगे। अब दही के ऊपर जो मलाई पड़ती है, थोड़ी सी मलाई इसके ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर ऊपर से डाल देंगे। तो ये हमारी ठंडी ठंडी बहुत ज्यादा टेस्टी लस्सी बनकर तैयार है। गर्मियों में बस एक ग्लास पी लीजिए और आपको काफी फ्रेशनेस मिलेगी, और गर्मियों में तो लस्सी कितना भी पीजिए काफी फायदेमंद भी होती है और गर्मी से भी बचाती है। तो दोस्तों, आपको ये लस्सी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।